हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुलदीप दिवाकर। आपका फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में सीख रहे हैं और पुराने जो आरआरबी के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम आरआरबी कोलकाता 1994 का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, और एक्स्ट्रा शॉर्ट में आज हम बॉडी मूवमेंट के बारे में बताऊंगा मैं आपके बॉडी के किस तरीके मूवमेंट होते हैं, हैंड मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, पांव का मूवमेंट, कंधों का मूवमेंट, गर्दन का मूवमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिए ताकि इन चीज़ों के बारे में आपको पता पड़ सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आरआरबी कोलकाता 1994 में जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि 1999 की भोपाल में 1984 में कौन सी गैस लीक हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बताइए आप, भोपाल में 1984 में जो गैस कांड हुआ था उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3NHO। इसमें CH3NHO, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, और ये कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है। इसका मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसका मनुष्य पे ये प्रभाव पड़ता है कि फेफड़ों से पूरी तरीके से ऑक्सीजन बाहर निकाल देती है और अंत में मनुष्य की मौत हो जाती है। तो इस तरीके से एक हानिकारक गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मसालों की रानी कौन सी है। तो दोस्तों, इलायची जो होती है वो मसालों की रानी होती है। जी हाँ दोस्तों, इलायची मसालों की रानी होती है। ये मैसूर, मंगलोर, मालाबार और श्रीलंका में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये दो प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी। छोटी को अल्टेरिया बोलते हैं, बड़ी को हम एमोमम बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एथोलॉजी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन था कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। जी हाँ, पेडोलॉजी का मतलब होता है मिट्टी, जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं उसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है। तो दालचीनी दोस्तों पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र हमारे राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास मखदूम में स्थित है। जी हाँ, ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में मखदूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन था, भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी है। तो भैंस की मुख्य नस्लें जो होती है वो मुर्रा, सूती, भदवाड़ी और जाफराबादी और मेहसाना। जी हाँ, मुर्रा, सूती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना, ये भैंस की मुख्य नस्लें हैं। अब मैं आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 में जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। दूध से दही जमने के का कारण क्या है। जी हाँ बताइए, दूध से दही जमने का कारण क्या है। दूध से दही जमने का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, विषाणु में क्या होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। जी हाँ, विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। फूड एंड माउथ रोग विषाणु में उत्पन्न होता है। ये फूड और माउथ रोग जंतुओं में होता है और विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो लेमिनेरिया एक शैवाल है जिससे आयोडीन हम प्राप्त करते हैं। तो आयोडीन लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट में दोस्तों हर बार कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। तो आज क्लास सिक्स का चैप्टर एट है, बॉडी मूवमेंट, यानी बॉडी में किस तरीके की हलचल होती है। तो हम हर बॉडी मूवमेंट करने के लिए हम चलते हैं, दौड़ते हैं,
उड़ते हैं, जंप कूदते हैं, क्रीप करते हैं, क्रीप मतलब दबे पांव चलते हैं, क्रॉल यानी होता है लेट के चलते हैं, स्लिदर यानी होता है कि सांप की तरह मूवमेंट की तरह चलते हैं, रेंकर और स्विम यानी तैर कर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट है, यानी इस तरीके से हम बॉडी को, हमारे शरीर को गति प्रदान करते हैं। अब जॉइंट्स क्या होते हैं दोस्तों? जॉइंट्स वो प्लेस होते हैं जहाँ पर बॉडी के दो पार्ट मिलते हैं। अब हमारे पास बॉडी में जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, उसको हम बोन्स बोलते हैं। हड्डियाँ जो होती है हमारे शरीर का हार्ड स्ट्रक्चर होती है। अब एक हड्डी दूसरे हड्डी से कैसे जुड़ती है दोस्तों? एक हड्डी के एंड पर गोलाकार संरचना होती है जो दूसरी हड्डी की कैविटी यानी गड्ढे में फिट हो जाती है। तो एक हड्डी के एक सिरा गोलाकार होता है, वह दूसरी हड्डी के कैविटी यानी उसके खाली स्थान को के अंदर घुस जाता है। इस तरीके से एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ जाती है, तो इसको हम सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो हमारे हाथ का जो जॉइंट होता है उसको सॉकेट जॉइंट है, क्योंकि हाथ जो है हमारा, उसकी हड्डी कंधे की हड्डी से सॉकेट जॉइंट के द्वारा ही जुड़ती है। दूसरा जो जॉइंट होता है दोस्तों, वो पाइवोटल जॉइंट होता है। पाइवोटल जॉइंट कौन सा होता है? जैसे हमारी गर्दन का जो जॉइंट है, गर्दन जो हमारा छाती से जुड़ती है, उसको हम पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं, और ये हमारा पाइवोटल जॉइंट होता है। हिंजेस जॉइंट क्या होता है दोस्तों? हिंजेस जॉइंट होता है जैसे हमारे दरवाजे को हम जोड़ते हैं बार सोच से, तो उसमें जो मूवमेंट होता है वो हिंज जॉइंट कहलाता है। तो हमारे एल्बो में जो जॉइंट है और घुटनों में जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। फिक्स जॉइंट कौन से होते हैं दोस्तों? जिसमें हम मूवमेंट नहीं कर सकते, ऐसे जॉइंट होते हैं जैसे हमारे ऊपर जो जबड़ा होता है वो फिक्स होता है, और हेड और जबड़े के साथ में जो जॉइंट बनता है ऊपरी जबड़े का, वो हमारा फिक्स जॉइंट होता है। स्केल्टन क्या होता है? स्केल्टन को हम खोपड़ी भी बोलते हैं। स्केल्टन यानी हमारा जो कंकाल होता है शरीर का हर चीज़ को बनाने के लिए फ्रेमवर्क यानी उसका ढांचा बनाना ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी का जो ढांचा होता है उसको हम स्केल्टन बोलते हैं। फिंगर्स जो होती है हमारी, वो स्मॉल बोन से बनी हुई होती है, तभी इसमें चारों तरफ मूवमेंट होता है। चेस्ट बोन और बैक बोन, हमारी छाती की हड्डियाँ हैं और पीछे छाती के पीछे की साइड में जो हड्डियाँ वो मिलकर रिब केज बनाती है, एक जाल बना देती है। शोल्डर बोन क्या होती है? शोल्डर बोन हमारे जो बोन होती है वो रिब केज यानी जो रिब केज होता है उसको हम हाथ के हड्डियों से मिलाने के काम आती है। पेल्विक बोन्स को होती है जो हमारा पेट होता है उसके नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें जहाँ पर हम बैठते हैं उसको हम पेल्विक जो बोन्स बोलते हैं। स्कल हमारे पास क्या होती है? ये हड्डियाँ होती है जो हमारे दिमाग को बाहरी आक्रमण से बचाती हैं। मसल क्या होती है? ये स्वेलन पार्ट होता है यानी उभरा हुआ पार्ट होता है हड्डी के ऊपर जो बोन के मूवमेंट में सहायक होता है। तो बोन के मूवमेंट में हमेशा मसल सहायक होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ सीखी। आप इस वीडियो को ना समझ में आए तो आप इसको एक बार और देखें, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नए नए वीडियो अपलोड कर पाऊँ। और आपके इस प्यार और सपोर्ट का नतीजा है कि आज मैं ये अपनी 90वीं 89वीं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।